वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं ओमपाल प्रसाद, जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के मोहन गार्डन क्षेत्र में। हम आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन पहले लगाया गया 21 दिन का, फिर लॉकडाउन लगाया गया 19 दिन का, और फिर लॉकडाउन लगाया गया है 14 दिन का। जब 14 दिन का लॉकडाउन लगाया गया 4 मई से 17 मई का, तो दी गई कुछ छूट, उस छूट में शराब के ठेके खोलने की इजाजत दी गई। और शराब के जब ठेके खुले तो भीड़ बेसुमार लगी लोगों की, और लॉकडाउन की उड़ाई धज्जियां। उसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने 70% रेट बढ़ा दिया उस शराब का। उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे और एक एक किलोमीटर तक, दो दो किलोमीटर तक लगा रहे हैं लाइन। उन्हें केवल शराब चाहिए, ना ही लॉकडाउन चाहिए, और ना ही कोरोना महामारी के चलते उनको कोई डर। उसी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दिल्ली पुलिस आगे बढ़ी और पुलिस कर्मियों ने अपनी कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन का पालन कराया और सारी भीड़ को वहां से हटा दिया और ठेके करा दिए बंद। हम आपको दिखा रहे हैं कि मोहन गार्डन का जो ठेका है, इंग्लिश शराब का, अंग्रेजी शराब का जो ठेका है, उसको बंद करा दिया गया है ताकि उस पर भीड़ ना लगे और कोरोना महामारी के चलते और कोरोना के पॉजिटिव ना पड़ सके, क्योंकि रेड जोन पूरे दिल्ली को बताया गया है। और जहां रेड जोन की बात करें तो वहां डरना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में हमारे साथ जुड़े एक दिल्ली पुलिस के पदाधिकारी, उनसे हमारे जीएनएन न्यूज के संवाददाता ने बात की, तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। यहाँ मोहन गार्डन में जो शराब का ठेका है, जिस पर लंबी लाइन लगी थी, कतारें लगी थी, लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा था, उस लॉकडाउन के पालन को कराने के लिए यहाँ पुलिस की टीम और पदाधिकारी पहुँचे और उन्होंने यहाँ की भीड़ को खत्म किया है, लॉकडाउन का पालन कराने की कोशिश की है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर अरुण कुमार जी, उनसे हम बात करते हैं, क्या था मामला सर, क्या था यहाँ का मामला? सर यहाँ जो बिक्री हो रही थी वाइन की और लिक्वर की, वो एक सोशल डिस्टेंसिंग को नज़र रखते हुए हम लोग दे रहे थे, और हमारे पास ऊपर से आदेश है कि सर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो कंज्यूमर्स हैं और कस्टमर्स अगर नहीं कर रहे होंगे तो फिर हम उनको ठेका बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्राथमिकता जो है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखा जाए। जी, कोरोना महामारी के चलते पहला लॉकडाउन हुआ, सेकेंड लॉकडाउन हुआ, अब थर्ड लॉकडाउन हुआ है 4 मई से 17 मई के लिए। दिल्ली पुलिस अभी तक कोरोना महामारी के चलते लोगों को जागरूक कर रही थी कि वो सामाजिक दूरी बनाए रखें, फिजिकल दूरी बनाए रखें, जिससे वो कोरोना महामारी से बच सकें, और उनको राशन भी दे रही थी, उनको खाना भी दे रही थी। आज ये ठेके खुलने से क्या प्रभाव पड़ा है दिल्ली पुलिस के ऊपर? सर हमारा चैलेंज वही है, जब हम खाना बांट रहे थे या खाने जो वितरित हो रहा था उसमें सहयोग कर रहे थे, तब भी हमारा वही पर्पज़ था कि वी शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। आज भी हमारा उद्देश्य वही है, हम सरकार के साथ बंधे हुए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखा जाए। कोरोना से हमें फाइट करने में यही एक कारगर सिख हो सकती है कि जब हम इसमें फिजिकल डिस्टेंस का ध्यान रखें। तो अभी आप सुन रहे थे कि ये सरकार के साथ बंधे हुए हैं सभी पदाधिकारी, और इनका कहना है कि फिजिकल डिस्टेंस बनाने का हमारा पूरा प्रयत्न है और हम कराते रहेंगे लॉकडाउन का पालन, क्योंकि कोरोना महामारी ऐसी बीमारी है जो कि सभी के लिए घातक है, क्योंकि पूरे विश्व पर असर है इसका। भारत बंद है काफ़ी समय से, अब थोड़ी सी छूट मिली है, जिसकी वजह से कुछ शराब पीने वाले लोगों ने इसका मजाक बना दिया है, इसकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश की है। फिर भी मैं एक बार फिर कहूँगा कैमरा पर्सन से कि भाई दिखा दो इस ठेके को कि ये ठेका बंद है, यहाँ पर इस ठेके को बंद कर दिया गया है। उम्मीद है कि अब ये ठेका आज नहीं खुलेगा और ये शराबी जो लोग हैं, जो लोग शराब खरीदने वाले लोग हैं, इनको दोबारा यहाँ से शराब नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन ऋषिपाल चौधरी के साथ ओमपाल प्रसाद, जीएनएन न्यूज दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जीएनएन न्यूज, और अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।